1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने भेजा जेल। अपनी ही बेटी के साथ किया 5 बार दुष्कर्म, पूरे परिवार ने पुलिस से मामले को छुपाने का किया प्रयास। आज न्यायालय में अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पेश किया गया। हालांकि सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन एक पिता ने ही अपनी नाबालिग बच्ची के साथ 5 बार दुष्कर्म किया और ये सत्य घटना केगल थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित बच्ची के परिवार वाले इस बात को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इस मामले में पुलिस की कोई सहायता बच्ची के परिवार द्वारा नहीं की जा रही थी और इनको ऊपरी बलाओं का हवाला देकर इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कप्तान और बड़े आला अधिकारियों द्वारा इस मामले की जाँच पड़ताल की गई, जिसके बाद ये मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया और आज दुष्कर्मी पिता को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय ने आरोपी पिता को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में ये जानकारी भी दी है कि बच्चे के ही पिता ने बच्चे के साथ 5 बार दुष्कर्म किया और पूरे घटनाक्रम को छुपाने के लिए एक के बाद एक अपराध किए गए। पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में और भी कड़ियां जोड़ने के आसार हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक जाँच की जा रही है। हाँ सर, ये क्या मामला है? 12 साल की नाबालिग बालिका थी, उसके पिता ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया और प्रेग्नेंट कर दिया, उसको गर्भवती हो गई। फिर साक्ष्य नष्ट करने के लिए उसका गर्भ है वो भी गिरा दिया गया और काफ़ी लंबे टाइम तक इस मामले को दबा के रखा। पूर्व में जब प्रथम दृष्टया में जब ये परिवार पेश हुआ था, जब भी इन्होंने पुलिस को बिल्कुल सहायता नहीं की उनकी इन्वेस्टिगेशन में और लिख के दे दिया कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ऊपरी हवा और इस तरह का हमें बदनाम करने का इस तरह का हवाला देके कहा कि हमारी बच्ची के साथ इस तरह का कुछ नहीं हुआ, ये सब डॉक्टर्स और पुलिस ये सब मिलकर हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा इसे प्रसन्न ज्ञान में लिया गया और एसपी साहब ने जैसे ही ज्वाइन किया और मैंने गैगल ज्वाइन किया, तो हमारी प्रथम प्राथमिकता में ये रहा कि उस परिवार को, उस बच्ची को और उसके समाज को कोई भी न्याय की आवश्यकता नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि इसमें न्याय मिले और हमारे परिवार का एक आदमी जेल जाए, लेकिन ये पुलिस की प्राथमिकता थी कि किसी भी आदमी के साथ में इस तरह का कोई कृत्य होता है, कोई चाहे या ना चाहे, पुलिस का फर्ज बनता है, उसकी मॉरल ड्यूटी है उस अपराध को और उस अपराधी को बाहर निकाले और उसका ओपन करे, और हमने वही काम किया। श्रीमान एसपी साहब ने डे बाई डे मेरे इस पूरे केस में 6 महीने तक मॉनिटरिंग की और हमने ऐसे ऐसे साक्ष्य इस तरीके से लेबर बन के हमारी महिला कांस्टेबल को वहाँ गाँव में भेज करके और इवन बुरका पहना करके उनमें सबके साथ रही और उनसे एक एक चीज़ हमने कलेक्ट की कि भाई कौन आदमी है, कौन ऐसा क्रिमिनल है जिसको ये परिवार बचाना चाहता है। तो एक बहुत बचाने वाले तथ्य हमारे सामने आया कि उस बालिका का पिता ही संरक्षण ही उसका शोषण कर रहा था और 5 बार लगभग पूछताछ में आया, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, उससे वो गर्भवती हो गई और उस पूरे घटनाक्रम को छुपाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक अपराध करते गए और इसमें और भी कुछ कड़ियां जुड़ने की आशा है। हम लोग सोच रहे हैं कि इस सरकार की समाज की जो पूरी गंदगी है उसे डे वन से लेकर के लास्ट तक और एक कड़ी से लेकर अंतिम तक खोल करके समाज के सामने रखें ताकि आमजन में पुलिस का विश्वास और अच्छा पैदा हो। अवैध रूप से अबॉर्शन करवाया गया था, क्या वो क्लिनिक चिन्हित की गई है? और हमारे पास ये जांच का विषय है, लेकिन हमारे पास आपको बता दूं पुख्ता सबूत है हर चीज़ के और किसी भी प्रकार के दोषी हैं कोई भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज कोर्ट में पेश किया? आज हमने कोर्ट में पेश किया, फिलहाल इसको जेसी किया गया। सरकारी भूमि पर मूर्ति लगाने को लेकर विवाद, पुलिस प्रशासन ने मूर्ति जब्त कर 6 जनों को लिया हिरासत में। रावत समाज ने रैली निकालकर डीएसपी व एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। गणेशपुरा में सरकारी भूमि पर मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया, प्रशासन ने मौके से मूर्ति को कब्जे में ले लिया, मूर्ति को थाने में रखवाया गया। पुलिस ने मौके से 6 जनों को हिरासत में भी लिया है। इसमें माहौल गर्म हो गया, समाज के लोग एकत्रित हो गए और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे, लोगों को पकड़े जाने पर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर भी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैली ने बताया कि शनिवार देर रात को गणेशपुरा में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाए जाने की सूचना मिली। जानकारी मिलने पर शहर थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह में जाप मौके पर पहुंचे, पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग रवाना हो गए। मौके पर तहसील प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, सरकारी जमीन पर मूर्ति लगाने पर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया।
पुलिस प्रतिमा को लेकर थाने पर आ गई। इधर मामले की जानकारी मिलने पर समाज के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। वहां से लोग रैली के रूप में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय व उपकट कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाज के लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी को ज्ञापन सौंपने, उपखंड कार्यालय जाकर SDO जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपकर उस स्थान पर वापस प्रतिमा लगाए जाने की मांग की। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत, करणी सिंह रावत, विक्रांत सिंह रावत, शिवराज नाथू सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा जवाजा सदर व अन्य थाने पुलिस का जाप्ता भी बुलाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अलग 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 जगह पर अपनी अपनी आस्था से लोग किसी जगह पर उनको बिठा रखा है और मूर्ति बिठाना किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। और मूर्ति वहाँ पर बिठा दी गई थी, उसके बाद में प्रशासन ने बड़ी मशीन के द्वारा जो हाइड्रो के द्वारा उस मशीन को उठाया गया और मूर्ति को खंडन किया गया। उससे ये हिंदू समाज के अंदर बहुत बड़ी आक्रोश है कि इसको कभी भी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को खंडित करके उसको अमरित करके पुलिस के अंदर थाने में ला के बंद कर देना, ये कानून के खिलाफ, ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए। तो करीब 2 बजे पुलिस थाना ब्यावर सिटी में सूचना मिली कि गणेश नगर में जो सरकारी जमीन है वहाँ पे कुछ लोग एक मूर्ति ला के रखी है। इस इतला पे हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सूचित किया, स्थानीय प्रशासन को सूचित किया और पुलिस विभाग सिटी थाने से जाप्ता लेके सीआई साहब मैं सब वहाँ पे पहुँचे थे। हमने जाके देखा तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति ला के रखी ही थी और प्रशासन को देख के भाग गए, जिसमें प्रशासन ने राजस्व विभाग ने उस मूर्ति को जब्त किया अतिक्रमण मानते हुए और पुलिस को सुपुर्द किया। हमने हमारे कब्जे में ली है और कार्रवाई कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जो ला के रखने वाले लोग हैं उनको भी हमने हिरासत में लिया है। अतिक्रमण में लेकर रेवेन्यू विभाग ने इस मूर्ति को जब्त किया और जिसके तो पुलिस उठा के नहीं जाएगी, ये सारा प्रकरण है। ये रात के 2 बजे के आसपास की सूचना है कि पृथ्वीराज चौहान जी की और कोई मूर्ति लगाने वाले का प्रकरण सामने आया और जब चेक करवाया गया तो पुलिस प्रशासन को गया, हमारे पास भी इसकी सेक्शन छूटी थी तो इस मूर्ति को बिना सेक्शन छूटी के लिए लगाने के लिए हमने अंतरिम रूप से जब्त किया और जो भी संबंधित पक्षकार हैं उनको हमने बुलाया है, विधायक साहब का जो कहना है कि मूर्ति लगनी चाहिए और मूर्ति लगेगी, ऑलरेडी वहाँ पर चारागाह के अंदर अब तक मकान बन चुके हैं और चारागाह भूमि पर ही पहले एक बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी, इसको लेकर यही इस मैटर में देखो कि पुराने रिकॉर्ड देखते हुए कोई सेक्शन स्वीकृति जारी हुई है या नहीं हुई है, फ्यूचर में क्या प्रोसेस फॉलो करना है। NDRF ने आनासागर झील के पास किया पौधरोपण, आनासागर झील की भी करी सफाई, 10 दिनों तक चलेगा NDRF का अभियान। NDRF द्वारा पूरे हिंदुस्तान में 10 दिनों तक पौधरोपण और झीलों के और कुंडों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही NDRF द्वारा झीलों के आसपास भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। NDRF के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदुस्तान में अभियान 10 दिनों तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें झीलों के सफाई कर उनके आसपास वृक्षारोपण किया जाएगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं NDRF के द्वारा ये 10 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, राजस्थान में ही नहीं मैं पूरे हिंदुस्तान में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की तरफ से एक 10 दिन का विशेष एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाना, पेड़ लगाना और जो वाटर स्टोरेज जो पॉन्ड्स हैं, एनिकेट तालाब जिनको हम बोल सकते हैं, उनकी साफ सफाई करना। तो ये NDRF एक इन 10 दिनों में आने वाले में एक आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका विशेष मकसद है कि हम पर्यावरण को बढ़ावा दें और जहां हमारे वाटर स्टोरेज पॉइंट्स हैं उनकी हम साफ सफाई रखें। साथ ही साथ ये NDRF के साथ साथ हम आम लोगों को भी इसमें जागरूक करेंगे और इसकी महत्वता के बारे में लोगों को अवगत भी कराएंगे। ये हमारी तरफ से 6 NDRF की तरफ से हैं जो यहाँ RRC अजमेर नारेली में एक NDRF की टीम है उसके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। अगले 10 दिन तक ये जारी रहेगा।
अजमेर में जितने भी जिले में तालाब पोंड्स वगैरह हैं, चाहे अजमेर प्रॉपर में हो, चाहे ब्यावर या फिर किशनगढ़ या फिर पुष्कर वगैरह, यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे पौधे लगाने का टारगेट है और जितने तालाब और एंडिकेट्स हैं उनको हम साफ भी करेंगे। कितने पौधे लगाने का टारगेट? लगभग हमारा आइडिया एक दिन का मिनिमम 200 पौधे लगाने का है, तो 10 दिन का हमारा ये है कि लगभग 2000 पौधे हम इनको लगवाएं और लगा के हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी टीम यहाँ परमानेंट डिप्लॉय है, तो हम रेगुलर बेसिस पे इन पौधों को देखेंगे भी, इनकी देखभाल भी करेंगे और इंश्योर भी करेंगे कि ये पौधे फले फूले और बड़े हो। आपका परिचय? अमर सिंह। जेसे कॉलेज के प्रचार पर लगा चुनाव में पक्षपात करने का आरोप, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टिव पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा फर्जी वोटिंग कराने की रची जा रही है साजिश। कल मंगलवार को होने वाले छात्र संघ चुनाव की वोटिंग से पहला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकीय महाविद्यालय के प्रचार के खिलाफ कलेक्ट्री पर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उनके साथ पार्षद नीरज जैन भी शामिल रहे। प्रदर्शन करने के बाद छात्रों ने पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नीरज जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल द्वारा छात्र संघ चुनाव में पक्षपात किया जा रहा है और फर्जी वोटिंग कराने की साजिश रची जा रही है। नीरज जैन का यह भी आरोप है कि जीसे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों की 3000 आईडी प्रूफ कॉलेज प्रशासन ने जब्त कर रखे हैं। जब इस मामले में जवाब मांगे गए तो प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर इतिश्री कर ली कि आज शाम तक उन्हें आईडी प्रूफ सौंप दिए जाएंगे। जैन का यह भी कहना है कि बिना आईडी प्रूफ के छात्र वोट नहीं कर पाएंगे। नीरज जैन ने भी बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा ट्वीट कर सीधा सीधा एनएसआई के पक्ष में वोटिंग कराने की अपील की जा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि एक तरफा पक्ष में वोट कराने की साजिश हो रही है। इसलिए आज इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्षता के साथ चुनाव सम्पन्न कराने की मांग की। विगत जिस प्रकार का माहौल सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का बना है, वहाँ जिस प्रकार छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, उस छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, वहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ा जा रहा है, उनके द्वारा जिस प्रकार पक्षपात करते हुए NSY के जो पदाधिकारी हैं, NSY के पैनल पे जो लड़े हैं, उनको वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्ति देकर केवल मात्र NSY के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करवाया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनके आईडी प्रूफ आज दिन तक उन्होंने नहीं दिए, ऐसे 3000 आईडी प्रूफ उन्होंने अपने पास में दबा करके रख रखे हैं। हमारे द्वारा पिछले 4 दिन से विद्यार्थी परिषद द्वारा जब मांग की जा रही है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वो आईडी प्रूफ सौंपे जाए, तो उनके द्वारा कल एक विज्ञप्ति जारी करके इतिश्री कर ली जाती है कि आज शाम तक आईडी प्रूफ दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट बिना आईडी प्रूफ वोटिंग नहीं कर सकता। उन मतदाताओं को, उन स्टूडेंट्स को हैरान परेशान करने के लिए और उन आईडी प्रूफ के जरिए फर्जी मतदान कराने का षड्यंत्र राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रचा जा रहा है। जिस प्रकार उनके द्वारा 4 साल पहले भी इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया था, एक एलिजिबल कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया था, उसके कारण से खूब हंगामा हुआ। हम विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र नेता जो कभी न कभी उस कॉलेज से जुड़े रहे हैं, वहाँ पदाधिकारी रहे हैं, वहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनकर आते रहे हैं, उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, गवर्नर के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय को कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाए और उन आईडी प्रूफ्स को जब्त किया जाए जिन कॉलेज लेक्चरर्स को कॉलेज से हटा करके बाहर भेज दिया है, उनको बुलाया जाए और प्रशासन वहाँ की चुनाव व्यवस्था अपने हाथ में ले, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन हो सके, वहाँ पर चुनाव हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो सके, पारदर्शी चुनाव हो सके, ये हमने मांग की है। नहीं तो अगर इस प्रकार उनका भेदभावपूर्ण रवैया रहा, एक पार्टी के एजेंट के रूप में जिस प्रकार कांग्रेस के उच्च शिक्षा मंत्री एक संदेश दे रहे हैं, उन्होंने क्या एक ट्वीट किया, फेसबुक पे स्टेटस डाला शिक्षा मंत्री रहते हुए कि NSY को चिताए, वो कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता खत्म करता है और उसी का परिणाम है कि यहाँ का प्रिंसिपल ML अग्रवाल वो भी कांग्रेस के एजेंट के रूप में, NSY के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और चुनाव को पक्षपातपूर्ण करके। छात्र नेताओं ने बिना इजाजत के साइन बोर्ड पर लगाए अपने बैनर, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने जल्दी कार्रवाई करवाने के दिए निर्देश।
छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र द्वारा अजमेर में लगे हुए साइन बोर्ड पर जो कि आने जाने वाले राहगीरों को रास्ता दिखाते हैं, छात्रों ने उन्हीं साइन बोर्ड पर अपने प्रचार के लिए अपने बैनर लगवा दिए हैं, जिसके बाद होराइजन न्यूज के रिपोर्टर नरेश गौर ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। इस मामले पर जब निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले पर कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उपायुक्त ने यह भी कहा कि अगर छात्रों द्वारा अपने प्रचार के लिए ठेकेदार को भुगतान किया गया है तो इस मामले में भी जानकारी ली जाएगी। हाँ सर, नगर निगम का जो हमारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने का दस्ता है उस प्रभारी जो उनके जो बोरा जी हैं उनको हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं, और अवकाश के दिनों में भी चूँकि अभी जो है कॉलेज वगैरह के जो इलेक्शन चल रहे हैं तो इस जगह में कहीं पर भी पोस्टर वगैरह सरकारी संपत्तियों पर लगाने के लिए बिल्कुल बैन है और हम हटा रहे भी हैं। आपसे अभी जानकारी मिली है तो तुरंत प्रभाव से मैं टीम को भेज करके इनको भी अभी तुरंत प्रभाव से हटा दिया। ये एक्चुअली नगर निगम ने जो कुछ यूनिफॉल और गैंट्रीज है हमारे ठेके पे, अगर किसी ठेकेदार, पहले हम ठेकेदार से जानकारी प्राप्त करेंगे, अगर उसको पेमेंट दे करके उन्होंने अगर किसी ने ये हायर करके अगर वहाँ अपना विज्ञापन करा है तो ठीक है, अगर किसी को उनको हायर करके बिना उनकी सूचना में और हमारी सूचना के लगा तो निश्चित रूप से अभी इनको हटवा दिया। ऐसा रोड पर तेजाजी मंदिर पर हो रहे अतिक्रमण पर क्षेत्रवासियों ने जताया रोष। मंदिर समिति को दान में दी गई थी जमीन, कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है अतिक्रमण, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फायसागर रोड पर स्थित तेजाजी मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। संदर्भ में मंदिर समिति के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के उपाध्यक्ष कमल बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन शंकर सिंह रावत द्वारा दान में दी गई थी, उसके बावजूद उनके पड़ोसी द्वारा इस पर फिर से अतिक्रमण करने की और हड़पने की साजिश रची जा रही है। वहां पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। पुलिस में भी शिकायत देने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया भी था, लेकिन फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले पर उचित कार्यवाही की मांग की गई। इनका यह भी कहना है कि इसी जमीन पर कई सालों से हम भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी हरकतों की वजह से कई बाधाएं उत्पन्न हो रही है। हम आज कोटड़ा से आए हैं। कोटड़ा के अंदर जो तेजाजी का मंदिर है, कोटड़ा के अंदर जो तेजाजी का मंदिर है उस मंदिर के पास में एक जमीन थी, वो जमीन करीब 4-5-6 साल पहले हमें दान के अंदर मिली हुई है, मंदिर को मिली हुई है। उस जमीन के अंदर मेले के अंदर हमारे भंडारे 10 सालों से, यानी भंडारे जो भी है होते हुए आए हैं। जिस जने ने हमें जमीन दान में दी उसके बाद आज उस जमीन पे वापस से कब्जा होने जा रहा है, यानी मंदिर दान में देने के बाद उस जमीन पे पत्थर डाल के नीमे खोद के अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। उस सरदम में आज हम यहाँ आए हैं कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई उस जमीन पे जो अतिक्रमी है उसको वहाँ से हटा के मेले जो मंदिर की जमीन है उसे वहाँ से मुक्त किया जाए। अतिक्रमण हमें शंकर सिंह रावत जी ने दान में दी थी, उसके बाद में वहीं का कोई पड़ोसी है, उन्होंने शंकर जी और उनके आपसरी में साठगांठ करके उस जमीन पे वापस पुनः कब्जा किया जा रहा है। हमने पुलिस के अंदर भी FIR दर्ज कराई थी, पुलिस ने आके काम रुकवाया था। बाकी उस पे जो माल सामग्री पत्थर बजरी ईंटें आज तक अभी वहीं पड़ी है। कोर्ट में भी हमने लगाया था, कोर्ट से भी आदेश आ चुके हैं कि मंदिर के हक की जमीन है, उसके बाद भी अतिक्रमी मान नहीं रहा, उस जमीन पे कब्जा करने की इच्छा कर रखा है पूरी। लोहार समाज ने भूखंड उपलब्ध कराने हेतु ADA में दिया ज्ञापन। जल्द लोहार समाज को भूखंड नहीं कराए गए उपलब्ध तो विधानसभा का करेंगे घेराव। आज गड़िया लोहार समाज द्वारा ADA पर प्रदर्शन कर ADA अधिकारी को समाज के लोगों ने भूखंड उपलब्ध कराने हेतु ज्ञापन दिया। इतना इनका कहना है कि भारत को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोहार समाज सड़कों के किनारे रहते हैं, प्रशासन का ऐसा और कोई ध्यान नहीं है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम जल्द से जल्द विधानसभा का और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। जल्द समस्या का हल नहीं होता है तो आगे क्या आंदोलन रहेगा आप लोगों का? गाड़िया लोहार समाज राजस्थान का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की एक सेना के तौर पर माना जाता है। इस समाज को बसाने हेतु हमेशा से ही प्रयास होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये समाज आज भी उसी स्थिति पे है। आज भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ये लोहार समाज जैसा का तैसा ही है, रोडों के किनारे पड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि ब्यूरोक्रेसी के जो आला अधिकारी है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके लिए क्या रहेगा आपके तरफ से? इनका अगर नहीं हो, इनकी परेशानी इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो सीधा हम सब विधानसभा का घेराव करेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर अनशन पे बैठेंगे। महावीर सिंह राठौड़, भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री। गाड़िया लोहार समाज के बेघर परिवार अजमेर शहर की सड़कों गलियों में जो बड़ी तादाद में रह रहे हैं
और उनकी जो मांग है वो सरकारी योजनाओं में गाड़ियाल और समाज को भूखंड उपलब्ध कराने की है, जो वर्षों से लगातार 30 साल से हमारी समिति उठा रही है। और जिला प्रशासन को लिखित में जो हजारों मरतबा है जो हम ज्ञापन दे चुके हैं, बाकी जो प्रशासन इस ओर है जो ध्यान नहीं दे रहा और गाड़ियाल और समाज की पूर्ण उपेक्षा कर रहा है। श्रीनगर रोड क्षेत्र में 60-70 साल से जो गाड़ी लोहार समाज रह रहे हैं उनको ना तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और ना ही उनको कच्ची बस्ती में शामिल किया गया और ना ही उनको जो उस क्षेत्र में जो भूखंड दिए जाने के लिए प्रशासन ने जो कोई कार्यवाही कर रहा है, बल्कि उनको वहां से बेदखल करने के प्रयास में है, जो उन्हें चाहे जा पटकने के चक्कर में है और उनको सहूलियत और उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम ज्ञापन देने के लिए प्राधिकरण में आए हैं सेक्रेटरी साहब के पास और वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ओंकार सिंह नांदी, अध्यक्ष अखिल भारतीय गाड़ियाल और का। मदिरा व्यापारियों ने बढ़ती दरों को लेकर आपका विभाग में दिया ज्ञापन, कहा महंगाई के जमाने में नहीं बढ़ाया जा रहा है मार्जिन, कल से अजमेर में हो सकती है शराब के ठेकों की हड़ताल। आज अजमेर में मदिरा व्यापारियों ने शराब की बढ़ती दरों को लेकर आबकारी विभाग में ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि सरकार द्वारा आए दिन रेट बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से ग्राहकों को भी खरीदने में परेशानी हो रही है और साथ ही ठेकेदारों का कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि 22% मार्जिन में हमने दुकानें ली थी लेकिन उसके बावजूद 10-11% मार्जिन मिल रहा है। आए दिन पुलिस द्वारा भी हमें परेशान किया जाता है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर जल्द इस मामले का निस्तारण करने की मांग की। इनका यह भी कहना है कि आज जोधपुर की तरह कल अजमेर में भी दुकानें बंद हो सकती है। हमारे ऊपर नाजायज हर साल 10% की लिफ्टिंगों पे इंक्रीजिंग करते हैं। एसवीएफ के नाम पे एसवीएफ जो है हमारे पैसे को एसवीएफ में बना के और एसवीएफ जो है 6 महीने में खत्म करके हमारे से अननेसेसरी एसवीएफ के नाम पे पैसा लेते हैं, प्लस अन्य किसी हर तरह के कभी किस प्रकार का टैक्स कभी किस प्रकार का टैक्स अलग अलग टैक्स लगा के और नाजायज हमारे से पैसा वसूल किया जाता है। और चालू शस्त्र में जो है बिगर किसी परमिशन के बीच के अंदर जो नियमों में नहीं है, जब मर्जी आती है तो पैसे बढ़ा देते हैं अपना हिसाब। 20 से 30% रेटें इंक्रीज कर दी 5 महीने के अंदर और ठेकेदारों को कुछ नहीं मिला। 22% मार्जिन बता के 10-12% मार्जिन दिया जा रहा है और नाजायज परेशान किया जा रहा है कि आपको माल की लिफ्टिंग अब रेटें गवर्नमेंट इतनी बढ़ा रही है। मार्केट में सेलिंग जो है, जब जो चीज़ 100 रुपये की है अगर वो चीज़ 130-135 की कर देंगे तो मार्केट में सेल कम होगी। 10% का टारगेट इंक्रीजिंग करके आपको माल एक्स्ट्रा उठाना नहीं उठाओगे तो उस पर पेलेंटियाँ जमा कराओ, मतलब हर तरीके से ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। आपका नाम? सुभाष। आज अजमेर जिला के सारे मदिरा संघ के सभी ठेकेदारों ने मिलकर शांतिपुर ज्ञापन दे रहे हैं डीओ साहब को कि जिस टाइम पॉलिसी बनी थी उस टाइम हमें ज्ञात किया गया था कि इसमें 22% का मार्जिन है, जो अब हमें मार्जिन 10-11% का मार्जिन मिल रहा है और सरकार अपनी रेटें बढ़ाती जा रही है, ना हमारे मार्जिन का ख्याल है ना किसी चीज़ का ख्याल है। आए दिन पुलिस प्रशासन हमें परेशान करता है, ग्राहकों को पकड़ने का 185 मुकदमे का 1 तारीख को 4,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है, जिससे पहले ही हमारी बिक्री पे बहुत फर्क पड़ा हुआ है। और रेट राउंड ऑफ करने के लिए हमने इसमें एक और चीज़ लिखी है, रेट राउंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि इनकी रेटें रोज़ आए दिन ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन उस पर ज्ञात नहीं लिखा नहीं जाता है और जिससे हमें रोज़ ग्राहकों से सेल्समैन की अनबन होती रहती है। और इस 5 महीने में 3 बार रेटें बढ़ी हुई हैं। अब रेटें बढ़ती है या तो उसको आप उसको प्रिंट आउट करो या हमारे ओवर रेटों की और इन चीज़ों की तो आप खबरें दे देते हो, उन चीज़ों पे हमारे खिलाफत कर देते हो, इन चीज़ों पे कौन ध्यान देगा। और जब 22% मार्जिन लिया, आज 25 लाख रुपए दुकान की फीस है, हमने तो 22% देख के ही दुकान ली है उस हिसाब से, नहीं तो अभी सब दुकानें जितनी भी दुकानें हैं ऑल ओवर राजस्थान की वो नुकसान में घाटे में चल रही हैं। आज दुकानें जोधपुर में बंद हैं, कल हमारी भी दुकानें बंद हैं, अगर हमारी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया गया तो हमारी भी दुकानें कल से बंद हैं। सब चाबियां लाके हम यहाँ दे देंगे, भाई आप ही दुकान चला रहे हो, विभाग कैसे चलाता है, दुकानों का किराया देखो, मकान मालिक दुकान का किराया बढ़ाता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। चलो महंगाई का मुद्दा ले लो, महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमारी मार्जिन भी तो बढ़ाओ, मार्जिन बढ़ा नहीं रहे। मार्जिन हमारी वही आज जो 4 साल पहले 5 साल पहले मार्जिन थी वही मार्जिन चल रही है, 11% मार्जिन चल रही है, जबकि अब के पॉलिसी में बिल्कुल दर्शित किया गया है, 62 नंबर पॉइंट है जो उस पर दर्शित किया गया है कि 22% मार्जिन दिया जाएगा आपको, तो उस मार्जिन का कोई अता पता ही नहीं, वही 12% मार्जिन चल रहा है। जितेंद्र रंगवानी।
सरकार की जो घोषित नीति है उसके अनुसार अनुज्ञाधारी को दुकानें संचालित करनी है। क्या कह रहे हैं? पुलिस भी सरकार की ही एक प्रशासन का ही प्रमुख अंग है। यदि इनके द्वारा कोई ऐसा वायलेशन किया जाता है जिसपे कि पुलिस को अधिकार है तो वो पुलिस भी स्वतंत्र है कार्यवाही करने के लिए। हाँ सर, क्या मामला है जो ये ज्ञापन लेके आए? क्या ज्ञापन दिया अनुज्ञाधारियों द्वारा अपनी कुछ मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर अजमेर के अनुज्ञाधारी आए हैं और उन्होंने कुछ अपने मार्जिन को लेकर के जो उनको ट्रेड में मार्जिन मिलता है और उसके अलावा कुछ जो ऐसे नीतिगत प्रश्न है उनको लेकर के भेजा है ज्ञापन, वो हम सक्षम अधिकारियों तक उच्चाधिकारियों तक प्रश्न में। ठीक है सर, इन्होंने चेतावनी दी है अगर मांगे पूरी नहीं मानी जाती तो दुकानें बंद हो सकती है। ऐसी कोई चेतावनी इन्होंने मुझे तो नहीं दी है या विभाग को नहीं दी है, लेकिन यदि ये स्वेच्छा से ऐसा कुछ करते हैं तो वो उनका विवेकाधिकार है। सरकार की जो नीति है उसके अनुसार दुकानें चलाना ये लाइसेंस कंडीशन से बने नहीं करेंगे तो आप परेशान होकर करेंगे। छात्र संघ चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन तैयार, शांतिपूर्ण हो चुनाव इसके लिए पुलिस प्रशासन रहेगा मुस्तैद, लिंगदो समिति की शर्तों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। कल होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस का जाप्ता पूरी तरह तैयार है, शांतिपूर्ण चुनाव हो इसके लिए पुलिस जाप्ता सुबह से ही मुस्तैद रहेगा। पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र लिंगदो समिति की शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज में उसी छात्र को प्रवेश दिया जाएगा जिसके पास कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होगा या फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पहचान करेगा। देखिए, नॉमिनेशन के बाद से ही हमारे सभी जिले के सभी थानाधिकारी और सीओ जो हैं वो लगातार राउंड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जहां पर भी हमें ऐसा कोई भी घटनाक्रम नज़र आ रहा है जहां पर कोई लिंग दो समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है वहां पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि अगर कोई कॉलेज प्रमिसेस के बाहर कहीं पर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, पोस्टर लगा रहा है, तो हम डिफेसमेंट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बाकी कल की तैयारियां हैं, इंतजाम निकल चुका है, सभी लोग समय पर डिप्लॉय हो जाएंगे और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण संपन्न कराई जाएगी। सर, जो वोट डालने आएंगे साथ हमारी बात हुई है सभी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने अधिकतर लोगों के आईडी कार्ड्स जो हैं वितरित कर दिए हैं। वही व्यक्ति अंदर जा पाएंगे जिनके पास या तो आईडी कार्ड हो या फिर जिन्हें उस कॉलेज का कोई प्राचार्य या फिर कोई प्रोफेसर पहचानते हो। अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके ऑथेंटिकेशन के बाद में वो अंदर जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर को दोहराई भेजने के संबंध में राजेश टंडन बैठे भूख हड़ताल पर। 20 साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों को दी थी जमीनें, अब तक नहीं हुए शिफ्ट। आज से 20 साल पहले यूआईटी ने ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों को दोहराई में ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करने के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन 20 साल बीतने के बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने अपना व्यापार उधर शिफ्ट नहीं किया। इसी मांग को लेकर आज अजमेर के वकील राजेश टंडन कलेक्टर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में कई लोग उतरे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा वहां पर बिजली, लाइट, पानी की सुविधा करवा दी गई है, उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट व्यापारी अपना व्यापार दोहराई में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। राजेश टंडन का ये भी कहना है कि एक तरफ से स्मार्ट सिटी के अंदर ट्रैफिक की समस्या को लेकर एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी द्वारा शहर के बीचों बीच इस तरीके से अगर भारी वाहन प्रवेश करेंगे तो ट्रैफिक समस्या का कैसे निस्तारण होगा। आज से 20 साल पहले यूआईटी ने, नगर न्यास ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को दोहराई में पट्टे दिए थे, उनको रिजर्व प्राइस पर जमीनें भी दी थी। आज 20 साल पूरे हो जाने के बाद भी वो ना तो ये अपनी दुकानें शिफ्ट कर रहे हैं ना गोदाम शिफ्ट कर रहे हैं और ट्रैफिक में दुर्घटनाएं होती हैं, रोज़ शहर के ट्रैफिक में व्यवधान होता है और इन्होंने गोदाम दुकानें सब एक ही जगह बना रखे हैं। इसलिए इस धरने पर मैं आज मुझे बैठना पड़ा। मैंने जिलाधीश महोदय को 25 तारीख का कहा था, 25 जुलाई को मैंने ज्ञापन दिया था और कहा था कि मैं 26 को बैठ जाऊँगा, एक महीने का आपको टाइम देता हूं। अब तक उस पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं आज बैठा हूं। एडीए ने वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, वहां पानी है, बिजली है, इनके गोदाम है, इनके मकान है, सब कुछ है, पर ये कुछ लोगों ने तो वहां किराए पे दे रखे हैं और ये शहर के बीच में बैठे हुए हैं, ना शहर के बीच से हट रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना आ रहे हैं और शहर के यातायात को अवरुद्ध कर रहे हैं, शहर के विकास की गंगा को या बहने से रोक रहे हैं। एक तरफ जहां आप
बना रहे हो एलिवेटेड रोड जहाँ आप बना रहे हो, ट्रांसपोर्ट नगर जहाँ आप बना रहे हो स्मार्ट सिटी, और वही के वही हालत आज ये है कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ यहीं की यहीं बैठी हुई हैं। इसलिए मैंने जिला प्रशासन से ये मांग की है, निर्णय जिला प्रशासन को करना है। 20 साल से इस शहर को अवरुद्ध कर रखा है, अब की आर पार की लड़ाई है, जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होगा मैं भूख हड़ताल पर बैठा। उदयनगर वार्ड 21 में भरा बरसात का पानी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पहले बने हुए नाले को बंद कराने की वजह से लोगों के घरों में घुसा 5-5 फुट तक पानी। साई बाबा कॉलोनी उदयनगर वार्ड 21 में इस वक्त कल रात हुई तेज बारिश के बाद बरसात का पानी घुसा हुआ है। लोगों का कहना है कि अजमेर में कुछ समय पहले हुई तेज बारिश के बाद क्षेत्र में 5-5 फुट तक घरों में पानी भर गया था, क्योंकि पहाड़ का भी पानी बहकर उन्हीं की कॉलोनी में आता था, जिसके बाद निगम द्वारा पंपों की मदद से पानी को निकलवाया गया था। लेकिन उसके बावजूद कल हुई तेज बारिश के बाद फिर से कॉलोनी में पानी भर गया है। इनका कहना है कि क्षेत्र में एक नाला हुआ करता था जो कि किसी के दबाव में आने के बाद उस नाले को बंद कर दिया गया। इसलिए आज उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में एक नाले का निर्माण करवाया जाए ताकि पानी की निकासी हो। लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन द्वारा अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो हम खुद अपने बलबूते पर नाले का निर्माण करवाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी, आज के संबंध में आना सर, हम लोग साईं बाबा कॉलोनी उदयनगर वार्ड 21 के निवासी हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी कॉलोनी के अंदर कम से कम 25-30 मकान बने हुए हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र का जो सारा पानी है वो पानी वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने का मेन कारण क्या है कि हमारे कॉलोनी के बाहर मुख्य सड़क है एडीए की बनाई हुई, उसके नीचे किसी समय में एक पुलिया हुआ करती थी, पुलिया के जरिए पानी निकल के सड़क के उस तरफ जाता था। अभी कुछ वर्षों पहले उस सड़क का जो चौड़ीकरण किया एडीए वालों ने, तो उस नाले को कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर नाले को बंद कर दिया। अब हमारा समस्या ये हो गई कि पानी का जो रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया। हमारी कॉलोनी के पास में ही दो शादी समारोह स्थल हैं, दोनों समारोह स्थल का पानी भी हमारी कॉलोनी में आके इकट्ठा होता है। पीछे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी का सारा पानी भी आके हमारी कॉलोनी में इकट्ठा होता है। अभी जो 15-10 दिन पहले जो बरसात आई थी वह सारा पानी हमारे घरों के अंदर घुस गया, कम से कम 5-5 फीट तक, जिसमें हमारे मेयर साहब, हमारे जो MLA साहिबा हैं अनिता बदेल जी, ये लोग आए उन और अपने ADS साहब आए, निगम की जो कमिश्नर है वो आई, उनके सबके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से पंप लगा के उन्होंने पानी निकाल दिया। लेकिन कल रात को फिर जो बरसात आई उससे वापस स्थिति ज्यों की त्यों हो गई। तो हम आज उसी संबंध में यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने कि यह जो नाला बंद हो चुका है, कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आके उस नाले को पुनः खुलवाया जाए, उस पानी का जो निकास है वो निकास बाहर निकाला जाए। वार्ड नंबर पुराना हमारा पहले तो 23 में आता था, अभी नया जो परिसीमन हुआ है उसमें हम वार्ड 21 में आ गए। तो हमारे कलेक्टर साहब से और उसके बाद हम यहाँ से ADA जाएंगे, अजमेर विकास प्राधिकरण वहाँ के भी जो कमीशन है उनको भी एक हम ज्ञापन देंगे, अगर उन्होंने सुनवाई नहीं की और आगे अगर कुछ कार्य नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और अपने स्तर पर एक नाला बनाएंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी। राजेश पंजाबी, साईं बाबा उदय नगर कॉलोनी निवास। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।